डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह आज पूरे तेवर में नजर आई। मवाना के एक मामले में दरोगा तीरथ पाल पर वह चिल्लाते हुए नजर आई कि तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं या नहीं, शर्म आती है? पति के चैट में साफ नजर आ रहा है कि लड़कियों के फोटो भेजकर उन्हें बेच रहा है, लेकिन तुम्हें यह सब नजर नहीं आया। पढ़े लिखे हो या पढ़ना नहीं आता? इतना मिलने के बाद तो होटल सीज हो जाना चाहिए था, पता चलने के बाद तो जोतम जोत बजा देना चाहिए था। पढ़ो ये चैट और गिरफ्तार करो उस आदमी को। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। दरअसल मवाना क्षेत्र की महिला ने आज महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह से मुलाकात की थी। महिला की शिकायत है कि 5 महापूर उसके पति अमर गुप्ता उसे दहेज के लिए घर से निकाल दिया था और अब किसी अन्य महिला के साथ वह रहता है। उसका होटल है, वह वहाँ लड़कियों की फोटो भेजकर उन्हें सप्लाई करता है। ससुर विनोद गुप्ता के पुलिस व जजों से संबंध है, लिहाजा 5 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले देखते हैं क्या बताया पीड़ित महिला व उनके पिता ने। मवाने में जिसमें ये धंधा चल रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से, इन लोगों ने मार धंधा चल रहा है। आपको क्या लड़की सप्लाई का? मैम ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं होटल के अंदर। जी हाँ, विनोद और ससुर, क्या नाम है आपका पति का? अमर गुप्ता, और ससुर का नाम विनोद गुप्ता। और होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से क्या शिकायत है आपकी? मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। होटल के अंदर? नहीं, घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी, मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए? 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रखी है। मैडम ने अब इनको तीरथ पाल सर है उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीज़ें देखी है फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है मवाने की पुलिस ने, वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती होटल के। मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। ये धारा इसमें लगी भी है? और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी ना, कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। मैंने एफिडेविट के जरिए तो SSP थाने में वहाँ पे SSP ऑफिस में पहुँचाया बयान भी अपने, जबकि सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर जो है ये सब खड़े रहते हैं और जजों से भी इनके संबंध है इनके, यानी कहीं जो है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कितने बच्चे हैं आप पे? सर मेरे पास 2 बच्चे हैं, 7.5 साल का बेटा, 3.5 साल की बेटी है। इनसे कितने हैं? इससे ही 2 बच्चे हैं। अभी आप रह नहीं रही, कौन सी गाड़ी है ये? डीजल गाड़ी, स्विफ्ट डीजल है। 5,000 आदमी थे जी, और देखो इंस्पेक्टर खड़े हैं, ये कहते हैं हमारा कोई पुलिस को बिगाड़ नहीं सकती, ये विनोद गुप्ता है। अब मेरठ के सर्किट हाउस में सारी जानकारी के बाद आयोग अध्यक्ष ने इस तरह दरोगा तीरथ पाल को आड़े हाथ लिया। देखिए, उस आदमी की जो चैट है किसी आदमी के साथ, किसके बारे में चैट है, क्या डील है, क्या सप्लाई हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब दो। मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैं तो रोज था, तुम लोगों का थोड़ा दिख रहा था, क्या समझ में आया? पढ़ा भी होगा, वो तो रेट लगा रहा है लड़कियों का, महिलाओं के रेट लगा रहे हैं, फोटो भेज रहा है। आपकी नहीं है, पढ़ाई लिखी नहीं हो, पढ़वाओ, पढ़वाई से कैसे झूठ बोलते हो सर? यहाँ घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है क्या? लिखा है इसमें इतना मिलने के बाद तो वैसे ही हो, वो तुम्हारा जो है होटल वोटल सील हो जाना चाहिए। इसीलिए SP ऑफिस में भेजो, भी मेरे को भेज में बताती हूँ कैसे। और इसका जरा मैं इसको तो यही करना था, घर में बेटियां हैं, समाज में रहते हो, सामाजिक हो, कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है वो क्या काम करता है?
देगी। अभी चुप बात कर रहे सस्पेंड हो जाना चाहिए तुमको, तो पकड़ो इस आदमी को भी, चैटी कॉपी निकालो, इस आदमी को पकड़ो। कौन है ये आदमी? अभी ये भी पकड़ो इसको। अब कौन सा होटल है उसको बंद करा दो, और किससे जवाब तलब करो अभी की अभी? इसको 3 दिन से पता है कर क्या रहा है इस बात के ऊपर। सोचो किसी की लड़की है और कोई आदमी पैसों में किसी आदमी को बेच रहा है, हवस पूरी करवा रहा है, पता लगने के बाद तो जूतम जूत बचा देना चाहिए वहां पे। अगर वो आदमी ऐसे औरतों को बेचेगा तो अपनी बीवी को कैसे सुरक्षित रखेगा बताइए? उसके बच्चे हैं कैसे सुरक्षित हैं? और आप लोग बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है एसपी ऑफिस में भेज दो, डीएम ऑफिस में भेज दो, किसी को बता तो दो। सीओ सर्कल होते हैं, गलत बात है। छोड़ो अभी किसको दिखाइए किसको नहीं, अभी यही जाए और तुम ही जाओगे अभी। नहीं करना चाहिए ऐसे, सब वापिस आएगा, ध्यान रखना। आपकी भी बेटियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जैसा धोएंगे वैसा ही खाएंगे, ध्यान रखो, गलत बात है। हाँ, ये बहुत ही हैरानजनक प्रकरण मेरे सामने आया है। लगभग 4 सालों में मेरे सामने कभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। एक महिला है, शिवानी नाम है उनका, घरेलू हिंसा का उनका केस था, लेकिन क्योंकि उनके केस में सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंसेस भी दिए जिससे ये शो होता है उनके पति के मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स थे। वो चैट किसकी है ये तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर वो चैट जिसकी भी है उसमें महिलाओं को के फोटोग्राफ और उनके रेट्स डिस्क्राइब कर रखे थे और उनकी अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी, क्योंकि महिला का दावा है कि वो उनके पति हैं और उनके पति कोई होटल चलाते हैं। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति बन जाती है कि इस प्रकार का प्रकरण महिला को घर में पता है एक पति होने के नाते, और उस तो स्वाभाविक है कि अगर किसी पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि वो महिलाओं से देह व्यापार कराएं या इस प्रकार की गतिविधि में वो इन्वॉल्व हों, तो वो अपनी पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सकते, अपने बच्चों का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक एक्शन के लिए ये है कि उनका प्रकरण तो ऑलरेडी है ही सामने, तो उनके पति को तो तुरंत गिरफ्तार होना ही चाहिए, उनके मोबाइल से है, आजकल तो व्हाट्सएप चैट सारी रिकवर हो जाती है। दूसरा ये कि अगर उस होटल में इस प्रकार का इलीगल काम होता है तो वो सीज हो जाना चाहिए, और पुलिस के पास 3 दिन से ये मैटर था, इसकी जानकारी थी, तो पुलिस अब तक क्या सो रही थी, वो क्या कर रही थी? बहुत ही गंभीर विषय है। मैं निकलने से पहले ये जो मेरे पास मैंने वो ले ली है अपने मोबाइल पे, तो मैं SP को और DM को फॉरवर्ड करने वाली हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।